वास्तु प्रेमियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक विशेष जानकारी आज मिलने वाली है कि घर के अंदर पानी का कहाँ स्थान होना चाहिए और उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। और कई घरों में मैंने वास्तु विजिट के दौरान देखा है कि पानी का स्थान गलत हो जाने से, गड़बड़ हो जाने से उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले। मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष जानकारियां देते हुए इस वीडियो को मैं प्रारंभ करना चाह रहा हूं। देखिए, कविता इस प्रकार है। कविता का शीर्षक है पानी के टैंक। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। रच पानी के टैंक को ईशान कोण जाए, मान आपका यूं बढ़े लक्ष्मी दौड़ी आए। लक्ष्मी दौड़ी आए टैंक रखना विषम नाप, गहरा जितना होए होए उतने धनी आप। कहवाणी कविराज आप राजा वरानी, भरे दासी पानी होंगे न पानी पानी। रच पानी के टैंक को ईशान कौन जाए। जब आप पानी के टैंक की रचना कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, तो पानी देखिए तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले तो जमीन पर बहने वाला पानी जो ग्राउंड लेवल पर होता है, एक पानी होता है जो जमीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, एक पानी ऊपर का होता है जिसे हम ओवरहेड टैंक कह सकते हैं, यानी कि जो छत के ऊपर जो टंकियां रखी जाती हैं वो। सभी पानी का अपना अपना महत्व है, अपना अपना स्थान है। घर के अंदर रच पानी के टैंक को ईशान कोण जाए। पूरब और उत्तर का जब कोना मिलता है, उस कोने में आप ठीक सा स्थान देख करके आप पानी के टैंक का निर्माण करें। उससे क्या परिणाम निकलेंगे, मान आपका यूं बढ़े लक्ष्मी दौड़ी आए, धन की वृद्धि होगी और घर के अंदर वंश की वृद्धि भी होगी। धन और वंश दोनों की वृद्धि पानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। मान आपका यूं बढ़े लक्ष्मी दौड़ी आए, धन वृद्धि वंश वृद्धि के साथ साथ आपको निर्माण कार्य के अंदर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी दौड़ी आए टैंक रखना विषम नाप, यानी कि टैंक जब आप बनाएंगे, वाटर टैंक बनाएंगे अंडरग्राउंड, उसका नाप जो है विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 9, जैसे हर प्लाट की अलग अलग परिस्थितियां बनती है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप उसकी चौड़ाई 5 फीट रख रहे हैं तो लंबाई आप 7 फीट रख लें, 9 फीट रख लें, ऐसा संभव हो जैसा करें। अगर गहराई आप बढ़ाने में सक्षम है, गहराई आसानी से बढ़ सकती है, कभी मिट्टी ऐसी काली मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी जो आसानी से खुद जाए, तो आप उसकी गहराई को बढ़ाएं। और गहराई बढ़ना अगर संभव नहीं है, कम बढ़ा पा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि पानी की कैपेसिटी ज़्यादा हो, तो गहराई को हम कम करते हुए भी हम उसकी लंबाई बढ़ा दें। जब लंबाई बढ़ाने के लिए आप विचार करें तो आप ध्यान रखें कि आप उसकी लंबाई जो है उत्तर दिशा में बढ़ाएं। पूर्व दिशा में अगर आपका प्लाट पूर्व दिशा में अगर चौड़ाई है, पूर्व दिशा में छोटा है ना, छोटी भुजा है और उत्तर दिशा वाली लंबी है, निश्चित रूप से आप पानी के टैंक की लंबाई भी उत्तर दिशा में रखेंगे। और चौड़ाई कम बन पा रही है, लंबाई कम बन पा रही है, लेकिन गहराई संभव है, अच्छी हो रही है, तो गहराई बढ़ा लें। गहरा जितना होए उतने धनी आप। पानी की गहराई आपके लिए बहुत प्रभावशाली रहेगी। जितना गहरा टैंक होगा उतने ही उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। गहरा जितना होए उतने धनी आप। आपके जीवन में धन की वृद्धि उसी अनुपात में बढ़ने की बहुत संभावनाएं रहती है कि आपने वाटर टैंक कितना गहरा बनवाया है। कभी आप लोग घर में जब चर्चा करते हैं तो ऐसा कहते हैं, इतना पानी को अपन क्या करेंगे, पानी अपने को इतना नहीं, इतना बड़ा टैंक नहीं चाहिए। लोग तो लेटरिन का टैंक बहुत बड़ा बना लेते, पानी का टैंक उससे छोटा दे। कई मकानों में मैंने देखा
लेटरिन का टैंक 20-25 साल में नहीं भरा जितना बड़ा बना लिया और पानी का टैंक छोटा बना लिया, कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती है। तो आप ध्यान रखें जो पानी का टैंक है वो गहरा भी होना चाहिए, उसकी लंबाई भी ज़्यादा हो, चौड़ाई भी ज़्यादा हो, और उसके अनुपात में जो WC का टैंक है, लेटरिन का टैंक है, वो छोटा होना चाहिए। जितना छोटा होगा उतना अच्छा रहेगा। कह वाणी कविराज, आप राजा वह रानी, परिवार के अंदर आपका सम्मान, आपका वर्चस्व इस प्रकार बढ़ेगा। आप राजा जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, आपकी अर्धांगिनी रानी बन करके रहेगी, भरे दासी पानी, और आपके दास दासी जो है नौकर चाकर आपकी सेवा करेंगे, होंगे न पानी पानी, और जीवन में कभी पानी पानी नहीं होंगे। यानी कि कभी आपको आत्मग्लानी, कभी आपको लज्जित नहीं होना होगा। आपका यश और कीर्ति वैभव दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। आपको आत्मग्लानी नहीं होगी, आप लज्जित नहीं होंगे, पानी पानी नहीं होंगे। आप चमकदार रहेंगे, ओजस्वी रहेंगे, प्रगतिशील रहेंगे, पुरुषार्थी रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे। धन्यवाद।